इस चैनल पर आपको काफी प्योर रिएक्शन वीडियोस, काफी अलग अलग टीम्स, प्लेयर्स और क्लचेस के एनालिसिस वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको काफी सारे लोग बोल रहे हैं ही इज सो एग्रेसिव एंड टीम ब्लाइंड इज सो एग्रेसिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, नन अदर देन एस पावर। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूं ही इज नॉट एग्रेसिव, ही इज सो कैलकुलेटिव अपने मूव्स को लेकर, अपनी फाइट्स को लेकर और किस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको सारे प्रूव्स और सारी क्लिप्स के जरिए समझाने वाला हूं। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड वर्सेस टीम अवी के बारे में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट होता है, टीम अवी डायरेक्टली एक कंपाउंड को होल्ड करने के लिए जोन की तरफ बढ़ती है और वहां पर उस जोन में सिर्फ रॉनी और एस पावर थे। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, बाकी के जो दो बंदे हैं वो पीछे से रोटेट कर रहे हैं या फिर अपना अलग एंगल होल्ड करने के लिए दूसरी साइड है और इस कंपाउंड को सिर्फ दो लोगों ने होल्ड कर रखा है, विच इज ब्लाइंड, एस पावर एंड रॉनी। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर टीम अवी इस कंपाउंड को होल्ड करने के लिए पुश कर रही है, इन्होंने गाड़ियां वगैरह देखी नहीं, पूरा का पूरा कंपाउंड खाली लग रहा है, दैट्स व्हाई इन लोगों ने डायरेक्टली पुश किया। एक्चुअली आप पुश नहीं कह सकते, इन लोगों ने कंपाउंड होल्ड करने के लिए रोटेशन दिया था बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी थे। अब एस पावर को लोग एग्रेसिव बोलते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। डायरेक्टली इन लोगों ने पुश किया, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इन लोगों ने गाड़ियां रोकी, रॉनी और एस पावर राइट वाले कंपाउंड में, ठीक है, रॉनी को आप देख सकते हो दूसरे कंपाउंड में और एस पावर सिर्फ इसी कंपाउंड में जिसमें अभी और रेक्स पुश कर रहे हैं एस पावर के ऊपर, बट ही इज सो काम एट दिस टाइम। आप देख सकते हो पीछे दो प्लेयर हैं, यहां पर दो प्लेयर घुस चुके हैं एस पावर को फिनिश करने के लिए। एस पावर के हाथ में डीबीएस है बट एस पावर किस तरह से फाइट को अवॉइड करके बाहर की साइड आते हैं अपने टीममेट का कवर लेने के लिए। देखो एस पावर यहां से भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं और अगर एस पावर, यही चीज मैं बोलूंगी, अगर ये एग्रेसिव होते तो ये जरूर अपने डीबीएस से फाइट लेते बट नहीं, ये बाहर गए। बाहर जाते ही मान्य ने सवितार को नॉक किया, सवितार को नॉक करने के बाद रॉनी ने रेक्स को नॉक किया। अब फाइट हो चुकी है 2v4, मतलब एक सेकंड में अगर एस पावर नॉक हो जाते घर के अंदर बैठ के तो एस पावर को भी ये बात पता है कि मेरी टीम पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता, तो इसलिए वो बाहर चले गए। बाहर जाके भी उन्होंने सांस नहीं ली, बाहर जाके उन्होंने सिंपली अपना नेड कुक किया ताकि एक और प्लेयर को नॉक किया जा सके। यहां पर सीधा बाहर जाते ही नेड कुक किया और अंदर फेंका तो अभी भी नॉक हो गए। अब बचे हैं एमटीएफ प्लेयर 5 विच इज टीम अभी के लास्ट प्लेयर और प्रेशर क्रिस पे क्रिएट हो गया, ऑब्वियसली 1v4 करना पड़ेगा अब टीम अभी को और ये बहुत ही कम सिनेरियोज में पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर ही एक पैनिक रूम मान सकते हो आप, इसके अंदर आके पिन हो गए और ब्लाइंड एस पावर ने सबको फिनिश कर दिया डीबीएस से। और उसके बावजूद भी देखो यहाँ पे एमटीएफ प्लेयर 5 ने ग्रेनेड की पिन खींची थी ताकि इस डोर पे कर सके, एक बंदे को नॉक या फिनिश दे सके एटलीस्ट। लास्ट प्लेयर बचता है जब उसका काम एक ही होता है कि एक बंदा मेरे हत्थे चढ़ जाए और मैं उसको फिनिश दे दूं, बट एस पावर फिर भी अंदर नहीं घुसे। एस पावर को पता था कि वो अकेला है और हम चार हैं, फिर भी एस पावर बाहर की साइड आ गए। यहाँ पर ग्रेनेड फटा और एस पावर वापस अंदर गए, देखो ग्रेनेड बाहर की साइड फटा, एस पावर अंदर गए और एक मौली हुई अंदर और टीम जो लास्ट प्लेयर था बाहर आया और एस पावर ने फिनिश कर दिया। तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से वो फॉल बैक करना जानते हैं जो कि बहुत ही कम प्लेयर जानते हैं। क्लिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव सोल वर्सेस ब्लाइंड। बहुत सारे लोगों ने ये मैच ऑलरेडी देख लिया, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं कि देख सकते हो आप सामने हेक्टर ने गलत जगह पर गाड़ी लगा दी और हेक्टर डायरेक्टली उस घर पे पहुंच गए, ठीक है। हेक्टर अभी रोटेट करके आए, पूरी की पूरी टीम रोटेट करके आई रोजोक वाले इस वाले कंपाउंड पे और हेक्टर के नीचे, मतलब हेक्टर सीधा ऊपर भाग जाएंगे, हेक्टर के नीचे ब्लाइंड, एस पावर और मान्या। अभी कास्टर्स ने भी और काफी सारे लोगों ने बोला कि एस पावर किसी से नहीं डर रहे, किसी को नहीं देख रहे और सीधा ऊपर पुश कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है गाइस, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हर प्लेयर को डर लगता है, हर प्लेयर कैलकुलेटिव तरीके से खेलता है, अगर वो ज्यादा ओवर एग्रेशन दिखाएगा तो मारा जाएगा। एस पावर को यहाँ पे क्लियरली साउंड आ गया था कि हेक्टर ने नेड की पिन खींची और हेक्टर लेफ्ट साइड पे है और नेड की पिन खींचते ही हेक्टर के पास टाइम नहीं होगा और डायरेक्टली पुश किया और नीचे कूद गए क्योंकि हेक्टर ने ऊपर ग्रेनेड कर दिया था, राइट। अब उसके बाद अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत एग्रेशन है, बहुत एग्रेशन है। एस पावर देखो नीचे आके गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद टीम ने पूरा का पूरा डायरेक्टली पुश कर दिया, नकुल ने पुश कर दिया, एस पावर यहाँ पे बाई फुट आ रहे हैं। भाई ये एक कैलकुलेटिव मूव था, उनको पता है कि दो प्लेयर सोल के कहां पर हैं, एक प्लेयर हमने फिनिश कर दिया, एक प्लेयर कहां पर हो सकता है, ये सब उनको डिटेल में पता था, दैट्स व्हाई उन लोगों ने डायरेक्टली पुश किया। अभी देखो एस पावर बाय फुट इतना अंदर आ चुके हैं, अगर एस पावर को पता होता कि यहाँ पर कोई प्लेयर बैठा है, यहाँ पर कोई प्लेयर बैठा है, तो एस पावर बाय फुट इतना अंदर नहीं आते, बट एस पावर को पता था कि मेरी टीम ने गाड़ी से पुश कर दिया, अभी प्लेयर्स का ध्यान नहीं है, दैट्स व्हाई एस पावर ने डायरेक्टली पुश किया, बिकॉज दैट वाज सो कैलकुलेटिव। और यहाँ पर गॉब्लिन ने भी इतना अच्छा संभाला, गॉब्लिन और अक्षत ने, बट थोड़ी सी गलती अक्षत ने कर दी जिस वजह से ये टीम फिनिश हो गई यहाँ पे। अभी देखो गॉब्लिन ऊपर आया हील करने, अक्षत ने एक ग्रेनेड किया, ब्लाइंड मान्या हवा में नॉक हो गए और अक्षत को लगा कि भाई अब नकुल भी नॉक है, मान्या भी नॉक है, अब तो एक ही बंदा है नीचे पुश करना बनता है, बट मुझे लगता है कि अक्षत को शायद नहीं पता था कि यहाँ पर एक बंदा है या अक्षत को लगा कि एंगल नहीं मिलेगा, तो इसलिए अक्षत इतना आगे जाके मान्या को फिनिश करने के लिए आगे आए थे, बट वो चीज यहाँ पर अक्षत के लिए बहुत गलत साबित होती है। दिस
इस वजह से अक्षत यहाँ पे काफी लो हो जाते हैं और सीधा अंदर घुसते हैं। ठीक है, अब अक्षत अंदर इसलिए घुसे क्योंकि रॉनी उधर बैठे थे, अगर रॉनी उधर से फायर करते अक्षत अंदर नहीं घुसते तो अक्षत वैसे भी नॉक हो जाते, इसलिए अंदर घुसे। और एस पावर शांति से बैठे थे, अब एस पावर चाहते तो यहाँ पे अक्षत को नॉक करके सीधा ऊपर भी पुश कर सकते थे, बट एस पावर ने ऐसा नहीं किया। एस पावर ने पहले फिनिश किया, पूरा काम माइंड होके खेला, बिकॉज एस पावर को पता है अब इट्स अ 1v4 वाली सिचुएशन, 1v3 वाली सिचुएशन, बिकॉज एक प्लेयर ऑलरेडी ब्लाइंड का फिनिश हो चुका है, अब हम आराम से फाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैसा ही हुआ, गॉब्लिन नीचे पुश करते हैं डायरेक्टली दो बंदों के मुंह पे, एक बंदा नॉक भी कर दिया नकुल, बिकॉज नकुल ऑलरेडी रिवाइव होके अभी उठे ही थे, और यहाँ पे फिनिश कर दी टीम रॉनी ने लास्ट बंदे को, डीबीएस चिपका दी। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेटिव था अगेन, मैं आपको थर्ड क्लिप पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको इस फाइट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फाइट में बेसिकली क्या होता है कि ब्लाइंड पिन हो जाती है, और पिन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ इस टीम के लिए, बिकॉज आप देख सकते हो कि इसके इनके तीनों तरफ यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है, अगर ये कहीं से भी निकलने की कोशिश करते हैं तो ये तीनों बंदे कहीं ना कहीं से इनको नॉक दे सकते हैं, और अगर ये मैड्रुक पे भी पुश करते हैं यहाँ से डायरेक्टली स्मोक्स वगैरह करके तो यहाँ पे मोक्स इनको प्री फायर में नॉक कर सकता है, स्मोक्स के थ्रू रैंडम फायर में नॉक कर सकता है, इसलिए इन्होंने आगे भी पुश नहीं किया। अब इन्होंने इतना ज्यादा कैलकुलेटिव मूव यहाँ पे खेला है, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने पीछे की साइड स्मोक कर लिया वेयर हाउस पे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इन्फो थी कि रेनूब जो है जैन का एक बंदा यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसलिए इन लोगों ने आगे ना पुश करते हुए पीछे अपनी गाड़ियों पर स्मोक किया। गाड़ियों पर स्मोक करने के बाद ये लोग डायरेक्टली तीनों बंदे स्क्वाड हाउस पे पुश कर देते हैं पीछे से। आप लोग देख सकते हो ये गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, गाड़ियां लेकर निकले और सीधा का सीधा तीनों ने स्क्वाड हाउस पे पुश कर दिया ताकि एक एक बंदे को सेपरेटली पकड़ सके। अगर कोई टीम स्प्लिट खेल रही होती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक बंदे को सेपरेटली पकड़ते हैं, और इन्होंने एग्रेसिव मूव ना दिखाते हुए कैलकुलेटिव मूव दिखाया, बहुत ही दिमाग से खेला। तो इसीलिए यहां तक के पॉइंट्स में क्लियर हो चुका होगा आपको कि ये टीम कितना दिमाग से खेलती है, ना कि एग्रेसिवली। एग्रेसिव होता है कि तुम डायरेक्टली कहीं भी पुश कर रहे हो, कैसे भी मार रहे हो, तुम लोगों ने देखा होगा कि टीम सीधा गाड़ी लेकर भी पुश कर देती है। गाड़ी लेकर पुश करना भी कैलकुलेटिव मूव है, नॉट एग्रेसिव, क्योंकि गाड़ी लेकर पुश करोगे तो सामने वाली टीम इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मार पाएगी। बाय फुट पुश करोगे ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी मार सकता है, पर गाड़ी लेकर पुश करोगे तो जल्दी से तुम्हें नहीं उतार पाएंगे लोग, और एक गाड़ी में दो दो बंदे बैठ कर जाते हैं, एक बंदा तो गाड़ी चलाता है, एक बंदा मारता है, और तुम लोगों ने ये इनकी स्ट्रेटजी काफी बार देखी होगी। तो मैं पर्सनली उसे एग्रेसिव ना मानते हुए बहुत ही कैलकुलेटिव मूव मानता हूं। और तुम लोग यहां पर देखोगे रॉनी ने एक डिफरेंट एंगल पकड़ रखा है, रॉनी के हाथ में नेड है, रॉनी ने डिफरेंट एंगल इसलिए पकड़ रखा है ताकि अगर ब्लाइंड के दो बंदे नॉक है और ये टीम पुश करने का ट्राई करती है तो रॉनी यहाँ से कवर फायर दे सकते हैं आराम से और टीम को संभाल सकते हैं, और यही बहुत फायदेमंद साबित होता है इस टीम के लिए, बिकॉज जेन की टीम पीछे की तरफ रोटेट कर देती है फाइट ना लेते हुए, क्योंकि ये दो ही बंदे बचे थे और ये दोनों बंदे स्क्वाड हाउस पर चले जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो वाटर सिटी के सामने वाले स्क्वाड हाउस से वहां पर निकल जाते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब देखो आगे का आपको सीन बताता हूं। जेन को पीछे ढकेलने के बाद इन पे आ जाती है सोल, सोल को फिनिश करते हैं जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, उसके बाद ये लोग वापस जेन पे पुश करते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम तीन है और जेन वाले दो ही बचे थे और उन्होंने वो स्क्वाड हाउस होल्ड करा हुआ है। और ये कैसे पता चलता है इनको, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एस पावर यहाँ पर रुके शांति से, एस पावर ने एडीएस खोला और एस पावर को पता चल गया कि वहां पर गाड़ी वाड़ी लगी हुई है, बंदे हैं। बहुत ही प्यार से एक कैलकुलेटिव डिसीजन लिया गया यहाँ पे, रॉनी भी आ चुके हैं, बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन ये लिया गया होगा ठीक है हम लोग तीन है, पुश कर सकते हैं, मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर ज्यादा है और हम लोगों ने उनको पहले मतलब दो बंदों को फिनिश भी कर चुके हैं, तो ये डायरेक्टली पुश करते हैं। बट मुंह से पुश करना थोड़ा सा गलत डिसीजन हो जाता है, बट एक और सही डिसीजन ये होता है कि तीनों साथ में पुश करते हैं इसलिए एक ही बंदा मरता है। अगर तीनों अलग अलग टाइम पे पुश करते तो भैया ये तीनों एक साथ मर सकते थे, बट अभी देखो क्या सीन होता है। एस पावर के ग्रेनेड्स को आप कभी भी कम नहीं आंक सकते, एस पावर डायरेक्टली पुश करने से पहले ग्रेनेड पुल कर लेते हैं, पिन खींच लेते हैं, और ये इतना सही लगता है मुझे ये कैलकुलेटिव मूव, क्योंकि देखो एस पावर पीछे गए, यहां से ग्रेनेड पिन किया, और एस पावर को अच्छे से पता है कि भैया कहां पर ग्रेनेड करना है, कहां पर नहीं करना है। एस पावर को क्लियरली साउंड आया होगा कि बालकनी में बंदे हैं, ठीक है। अब एस पावर ने यहां से पीछे से इस बालकनी में नेड फेंका है, मैं होता तो शायद यहां पर नेड करता ऊपर वाले एरिया में नेड करने की कोशिश करता, इतना पीछे से एस पावर ने बालकनी में फुली कुक्ड नेड फेंका है। ऐसा भी नहीं कि मैं नेड थप्पा खिला के फेंकूंगा या मैं नेड को जंप कराऊंगा, सीधा मोक्स के सर पे जाके फटा है। और उसके बाद अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया एस पावर ने डायरेक्टली ऊपर पुश कर दिया, सो एग्रेशन दिखाया, नहीं भाई, रॉनी यहाँ पर आप देख सकते हो रॉनी भी ऊपर नहीं आए, रॉनी चाहते तो स्टेयर से ऊपर आ सकते थे, पर रॉनी को पता है कि मैं अकेला हूँ, एस पावर अभी नीचे है, तो मैं बाहर बालकनी में जाता हूँ। रॉनी बाहर बालकनी में गए, रॉनी ने जंप करके बहुत ही प्यारे तरीके से डैमेज दिया, ये देखो बहुत ही प्यारे तरीके से डैमेज दिया और हाफ एचपी कर दिया मैड्रुक को, और रॉनी ने यहाँ पर कॉल दिया क्लियरली। आप लोग चाहो तो सेपरेटली एस पावर की पर्सनल जो मॉन्टाज अपलोड किया उसमें जाके चेक कर सकते हो, रॉनी ने कॉल दिया कि बहुत लो है, एस पावर वहां पर प्री फायर देते हुए घुसे। आप लोग देखो यहाँ पर क्लियरली एस पावर घुस रहे हैं, एस पावर यहाँ पर गए और क्लियरली आप देख सकते हो कितना क्लियरली, और एस पावर डायरेक्टली भी नहीं घुसे, एस पावर ने पहले यहां पर आकर होल्ड किया, एस पावर ने यहां पर आकर भी अपने ग्रेनेड की पिन खींची, ग्रेनेड करने की कोशिश करी, ग्रेनेड प्रॉपरली नहीं गया, देन एस पावर घुस के
मारते हैं और एस पावर ऊपर आने से पहले ही, मतलब जो मैड्रिक उनका थोड़ी बॉडी दिख रही थी और एस पावर ने फिनिश कर दिया मैड्रिक को। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव डिसीजन था। अब आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल प्यारी सी क्लिप है। इनसे इनके चारों बंदों ने, ये देखो ये वाला कंपाउंड भी जोन के बाहर चला गया, ये वाला कंपाउंड भी ऑलमोस्ट जोन के बाहर चला गया। ये देख सकते हो जोन कुछ इस तरह से इस कंपाउंड को काट चुका है। इधर का एरिया जोन के बाहर है, इसलिए जो इंसेन है वो इस कंपाउंड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, इस कंपाउंड के लेफ्ट से जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहीं एस पावर को बहुत ही प्यारा मौका मिलता है। एस पावर को पता चल गया एक टीम पुश कर रही है और यहाँ पर स्मोक्स बहुत ज्यादा किए हैं, तो आपके पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपने दिमाग लगाया स्मोक्स में रैंडम फायर करने की बजाय, कोई हाथ लगे ना लगे, क्योंकि गोलियां सिर्फ एक बंदे को टच कर सकती है, दो बंदे को टच कर सकती है, पर ग्रेनेड एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे लोगों को एक साथ टच कर सकता है। तो एस पावर ने सिंपली ग्रेनेड पुल किया, ये एस पावर ने अभी ग्रेनेड पुल किया, ग्रेनेड कुक हो रहा है, कुक हो रहा है, कुक हो रहा है, और ये पूरी की पूरी टीम यहाँ से साथ में आ रही है बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाला कंपाउंड आजा जोन के बाहर है, अंदर से टीम आ नहीं सकती, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं यहाँ से साथ में पुश करने के अलावा। और एक कैलकुलेटिव कॉल आया होगा, चलो साथ में पुश करते, तो ऑब्वियसली साथ में पुश कर रहे थे। और इंसेन को मैं कम नहीं बोल रहा हूं, इंसेन ने बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं गॉडहिल को फिनिश कर, काफी अदर टीम्स के ऊपर एग्रेसिवली पुश करके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी वीडियो में। बट अभी डायरेक्टली ये पुश किया इंसेन ने और एस पावर का एक प्यारा सा ग्रेनेड आ गया। यहां पे मौली की और एस पावर ने ग्रेनेड फेंका, पूरी की पूरी टीम एस पावर के ग्रेनेड से फिनिश। एस पावर को पता था कि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास यहाँ पे लूटने का भी टाइम नहीं है, यहाँ पे देखने का भी टाइम नहीं है। एस पावर ने वो ग्रेनेड से चारों बंदे फिनिश किए, उसकी कोई खुशी भी नहीं मनाई, बिकॉज ही इज सो, मतलब अपने दिमाग में इनको पता है कि मैंने क्या किया है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई मेरे लिए, मैं कर सकता हूँ ये चीज। और एस पावर ने उन बंदों को देखा भी नहीं, उनकी क्रेट की तरफ भी नहीं देखा, डायरेक्टली ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद एक और यहाँ पर ग्रेनेड पुल कर लिया, मतलब कोई खुशी नहीं मनाई जा रही है कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर मैं होता तो शायद मैं सांस ले रहा होता वहां पे आराम से खड़ा होके। एस पावर ने एक और ग्रेनेड के अंदर और मौली भी कर दी, ठीक है, ताकि कोई प्लेयर रहे ना बिल्कुल भी। एस पावर को भनक लग गई कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि इस टीम को रोकने की कोशिश करेगा। एस पावर ने एक ग्रेनेड सीधा TWOP के बंदे पर किया, विच इज फॉक्स ओपी, और आप देखो बंदे का कितना काम माइंड है। ये एस पावर ने ग्रेनेड पुल फेंका और फॉक्स ओपी सीधा नॉक होने वाले। ये देखो आप किल फीड में देख सकते हो, फॉक्स ओपी सीधा नॉक है ग्रेनेड। काफी सारी क्लिप्स ये प्रूव कर चुकी है कि ब्लाइंड इज नॉट अग्रेसिव, ब्लाइंड कैलकुलेटिव मूव्स खेल रही है। ब्लाइंड को पूरा पता है अपने दिमाग में कि हम किस तरह से फाइट निकाल सकते हैं, हमें पता है बंदे कहां कहां हो सकते हैं, एक पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और एस पावर इतने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको सब पता है कहां पे कितना प्री फायर देना है, कहां पर घुसना है, कहां पर कॉल के साथ में जाना है, हर चीज। इस वजह से इस टीम को बहुत लोग एग्रेसिव बोल रहे हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, लाइक करना वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताना अपने फेवरेट प्लेयर, चैनल या किसी क्लिप या किसी क्लच का जिसपे हम एनालिसिस या रिएक्शन कर सके। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।